हम जा रहे हैं, जल्दी जाओ जल्दी आओ। बस जाके आ रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, राम राम, कैसे हो आप सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, और आज के ब्लॉग में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह के बजे हैं अभी 10:30। हम लोग एक्चुअली आज रेडी होके जा रहे हैं मेडिसिन लेने के लिए। एक बार पहले लेके आते हैं मेडिसिन, क्योंकि स्वाति की तबीयत कल से, मतलब 2 दिन से ही बहुत खराब है। उसका पेट खराब हो रखा है। पेट खराब इन द सेंस कि उसे, मुझे लगता है, फूड पॉइजनिंग या कुछ फूड इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से स्टमक में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है। पेन हो रहा था उसकी पूरी रात, और उसको भी उठाया मैंने, बोला रेडियो पहले दवाई लेके आते हैं फिर ऑफिस देखेंगे जाना है कि नहीं जाना। तो वो भी हो गया रेडियो, हम लोग निकलते हैं एक बार मेडिसिन लेने के लिए। तो नन्ना, आप तब तक, मैं भी रेडी हो रहा हूँ जब तक तुम आ जाओ। आप फिर ऑफिस जाओगे, वहाँ मिलोगे कि घर? घर ही मिलूंगा मैं, जल्दी आ जाऊँ। घर मिलोगे, वहीं आ जाना ना ऑफिस में। नहीं, तबीयत तो फिर देख लेना, दवाई डॉक्टर क्या करता है, फिर उस हिसाब से घर पे डिस्कस करके। आपकी भी तबीयत खराब है, आप भी फिर मैं ले आऊंगी जुकाम की दवाई। चल पड़ेंगे, मैं जाए उसी हिसाब से जाऊंगा ना, ऐसे तो देख देख बात है कितनी मिनट, ठीक है? ओके। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं दवाई लेने के लिए, और बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, ये धूल धीरे धीरे छट रही है अभी। मेरे को लग नहीं रहा है छटेगी ये शाम तक, जब तक हटने का टाइम आता है तब तक दोबारा हो जाती है। तब तक शाम ठंड, अभी बच के रहो सीरियसली। डबल डबल पहन रखा, फिर भी इतनी ठंड में लोग बाहर कैसे निकलते हैं भाई? हमारा ऑफिस गया, अभी पेड़ों बड़े हो गए, हाँ इनको भी कटवाने का टाइम आ गया है। आ गया आ गया आ गया ये आ गया आ गया हेयर गार्डन सलोन। यार ऊपर से जाए नीचे से जाए? ऊपर से चलते हैं भाई। हम अपनी मेडिसिन लेके जा रहे हैं वापस घर, और क्या, घर ही चलते हैं एक बार। ऑफिस आज थोड़ी देर रुक के आएंगे, तेरी तबीयत भी नहीं ठीक है यार, संभाल लेंगे अपने आप। मोनिका है ही बहुत ही अच्छी दुख लगी है। क्या हो रहा है आते ही इसके भी पैसिव वॉइस। तो हम हो गए ऑफिस के लिए रेडी, निकलते हैं ऑफिस। और किसी ने बोला था कि ऑफिस नहीं सलोन बोला करो, हमारे लिए वो ऑफिस है, ऑफिस ही। हम जाके ऑफिस में बैठते हैं, ये लोग भी जा रहे हैं हमारे साथ। और कुछ चले इसको लेके चले। ओहो, एक का जी कैसे लगेगा पीछे से, दोनों का स्टॉल लेना तो नहीं है, ब्लैक वाला। चलना तुम लोगों ने, नो रिस्पॉन्स। भैया सुबह सुबह आ जाके लगी है सबकी क्लास। तुम लोग साफ सफाई तो करवा ही सकते हो एटलीस्ट। मैं चली अब तेरे रूम के लड़ियां। हाँ तेरे को क्या है, बस इसका तो ये सीन है दीदी कि कौन सा आग लगे बस्ती में, हम रहे अपनी मस्ती में, है ना। मैं चली लड़ियां बोल बुला रहा कर लो थोड़ा, इस्तीफा मिल गया ना फिर। अगर मेरे को रूम में भी कोई गड़बड़ दिखी ना फिर पकड़ मैम। रूम नीचे अपने अपने रूम, सलोन मेरे प्यो दा। तुम लोगों ने स्टैंप लगवाई है। ड्यूटी है अरोमा क्लीन करना और ओ3 की ट्रॉली क्लीन करना और अपना रूम क्लीन करना। ये ड्यूटी है किसने बांटी है? क्लीनिंग वाले ना तीन तीन लड़के रख के दिए हुए, उनको तो बोल सकते हो ना। एक ये महाशय, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं ओके तो ले आके, मेरे को गलती नहीं है। नहीं आज नहीं लेके आना, तुसी और कटने है। टूट गया वो, फिर ये टिपो टिपो भी चाहे, हमने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया और काम बहुत सारा है। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी है, थोड़ी देर में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कि बहुत अच्छा सा कुछ आने जा रहा है। और उसको जो भी उसके रिगार्डिंग अभी थोड़ा सा काम करना है हमारी एडवोकेट साहब ने, थोड़ा सा ये कर ले उसके बाद करते हैं। आज कर लिए कुछ, मूंछे लगी है तेरी चाय की, देख जीभ से साफ कर रही है। मूंछे जीभ से ही साफ होती होती है। जय बाबा, थैंक यू सो मच। तो भाई वैसे तो आज हमारा फास्ट था, पर भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि हमने सोचा कि यहाँ जाके कुछ नीचे खा ही लेते हैं। तो हम आए हैं फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए। मैडम मैडम चाय का वेट कर रही है। किधर जाऊँ बहन भाई, यहाँ पे हम लोग अभी, हमारे बच्चों ने रूम डेकोरेट किया। वाह प्रीता, प्रीता प्रीता पता क्या बोल रही
बोलती कि जब ना वो अच्छा इसके भी पीछे लाइट लगा दी है, थोड़ी खराब है ये लड़की, ये पता क्या बोल रही, बोलती जब मैं फेशियल करूंगी ना तो ये सारी लाइटें बंद करके इन लाइटों में ब्लू लाइट में करूंगी मसाज। मजा बहुत आएगा क्लाइंट को जो भी यहाँ पे करेगा, कितना प्यारा लग रहा है ये अंदर लगा ली तो ज्यादा लग रहा है ये बंद कर दिया करूंगी और ब्लू लाइट ऑन किया करूंगी। अच्छा ये मिरर के पीछे भी लगा दिए इसने, हाँ। इसमें सारी होली दिवाली की लाइटें अपनी जितनी थी टोटल सारी अपने कमरे में लगा लिए, बाकी कहाँ जाएंगे, बाकी बस अपना अपना देखो। मैंने अपना रूम बड़ा अच्छा कर लिया ब्राइडल रूम से जाने के लिए, क्या मैंने अपना रूम क्लीन अच्छे से कर लिया, बस डेकोरेट कर लिया, बहुत प्यारा लग रहा है। और सारे ये ले लिए तूने वायर कितनी भी थी तो मतलब क्या इस पे स्टैंप लग गई कि अभी सिर्फ प्रीता का रूम है, ये मेरे ही रूम है अभी, मैंने डोर पे लिख दी ना प्रीतो प्रीतो द रूम है, प्रीतो ब्यूटी सेंटर। इधर क्या बना के रखे हुए कैंडल, कैंडल को देखना क्या बनाया है, ये क्या है प्रीता। ऐसे मैं कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाने देती, बस सारी यूज कर लेती कोई चीज तो अगर स्ट्री भी यहाँ लगा रखा हुआ है। हाँ वही ये कैंडल, कैंडल आज तक जलाई है कभी? हाँ जी अच्छा वो जलाई हुई है, खुशबू आती है इसमें? हाँ जी क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, खुशबू खाया नहीं तो अभी अभी रुक कर खाएंगे। अच्छा बाकी सारा कुछ इधर ही उठा के रख लिया इसलिए, इसकी ना मैनेजमेंट देखो आप जरा एक बार, अच्छी की हुई है, है ना चीजें प्रॉपर तरीके से लगाई हुई है उधर, वेल डन, वेरी नाइस, गुड वर्क प्रीता, थैंक यू। इसमें किस किसने हेल्प की प्रीता तेरी? मेरी मनवीर ने और मैं, बस दोनों निकले तो दिलशाद और बिल्ला थे। नहीं वो तो अभी अभी निकले थे कि भाई रूम देखने के लिए। ये वाला वो कहां है स्प्रे है नहीं? मैं भी यही था। नहीं नहीं बच्चे इसका स्प्रे भी था, इसका स्पेशल अलग से फ्रंट पे पड़ा है ये, हां वो डालना होता है, इस पे डाल दिया करो। हां जी ये अकेली हरी हरी मिली है तेरे को? हां जी कलरफुल भी थी इसमें तो, बहुत मेरे कौन थी मैम, मेरे तो ये ग्रीन ग्रीन येलो एंड व्हाइट कलर के फ्लावर्स थे, फ्लावर्स भी थे बीच में काफी थी। पॉट फिर इसके नए पैकेट नहीं पड़े यार, इतनी लेके आए थे ये तो अलग अलग कसम से मेरे को यही थी, ये बहुत पैकेट लेके आए थे, मैम बोल रही थी चेंज भी थे, तीन चार तो बड़े वाले पैकेट थे, तीन चार छोटे छोटे थे, पता नहीं कहाँ। वैसे तो लकड़ा ही नहीं जेड़ी छिटियां होती है ना छटियां छिटियां उन्होंने बोल दे उन्हें दे और नहीं देख ना, बस पेंट ही कर रखा ऊपर इन्होंने, टिंडे दे विच जदों कॉटन निकल जाती है ना उस तो बाद आ बचता है सुक्का, ये उन्होंने कलर करके किड्डी महंगी जने, ये वहां से होम सेंटर से ली थी, एक एक जो वो था ना पैकेट सा छोटा सा वो ही कम से कम 200-200 रुपए का था सिर्फ, और गांव में इन्होंने आग लगाते हैं, गांव में आग लगाते हैं बताओ उनको, दीदी बताना पड़ेगा कितना इम्पोर्टेंट चीज है ये, बना बना के बेच दिया फिर उनको, सारे वही है। आ की कर दिए कुड़ी थ्रेड से बाल अपर लिप्स में दूसरे से करवाते हैं ठंड होती है तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बाल दे, मैंने सोचा खुद ही निकाल लेते हैं। किसने नक्कू ने कितना कुछ भैया ऑफिस से आके और मांजे जा रहे हैं बर्तन ठंडे ठंडे, लिया है नहीं करनी आती है, लड़ाई करनी आती है, चल पूछ के दे नहीं करनी पूछ के दे बैठा देख इसको, चलो चलो हाय करो, चलो कर दो, इतना गुस्सा उसका मूड ही नहीं है बहन, क्यों नहीं है मूड, मूड को गो गो मतलब बच्चे को पूछ ना पप्पल किसने खाई, पप्पल किसने खाई, पप्पल किसने तूने खाई, चल फिर पूछ कर दे वो आ गया दूसरा, वो आ गया आ गया आ गया जल कुकड़ा, जल कुकला नहीं है ये बच्चा है, छोटा बच्चा है ये, तो ये हम लोग जो है आज दरगाह पे चले गए थे तो बर्तन बुर्तन जो पड़े थे वो तो साफ कर ही लिए आपने देखा, और हम लोग एक्चुअली अभी खाना बाहर से थोड़ा बहुत खा के, आज हमारा फास्ट था तो फास्ट खोल के और उसके बाद मैंने सोचा कुछ तिखा मीठा खा लेते, पर मोमोज एक प्लेट मोमोज तीन जनों ने खाए, कोई पेट में बात बनी नहीं थी, तो इधर आ गया आज हमारा खाने का मन कर रहा था घी एंड टर्मरिक वाला वो,
तो हम अभी खाने लगे घी एंड टर्मरिक की। ये क्या है? ये हलवा है। हलवा समझे क्या? वो हलवा ही है। घी एंड टर्मरिक का देसी घी का यार, कभी जो लोग देखते हैं ना कभी कभी ऑर्डर करके देखना, ये बहुत टेस्टी होता है एक्चुअली। ये देसी घी का वो है मूंग दाल का हलवा। वाओ एक बार इसको देखो, यम्मी वाला फील। दिखाती हूँ तेरे को, ऐसे नॉर्मल है ना। एक मिनट रुको, उसके बाद जाते इसके कीड़ा होता खाने लग जाता। आवाज सुन लो इसकी एक बार। क्या है? देख रहे फिर क्या कर रहा है ये? क्या है वो? कुछ कहता है तेरे को? वो कुछ कहता है? इधर इधर देखो तो सही। नहीं अब नहीं कर रहा। और ये भाई साहब हमारे क्या चक्कर है? वो क्या कहता है? उसके पास जाते ही ले। छोटी छोटी दंदरिया बाहर निकाल लेते हैं ये। चल सड़ूसा, मैं नहीं खिलाती खिलूती। बैठ जा यहाँ पे, बैठ जा आराम से। ऐसे कैसे बैठा है? अच्छी चल लड़ाई देखना एक बार इसकी। लड़ाई भी करता आगे से ले। आलसी हो रखा जी, पूरा आलसी, पूरा आलसी, पूरा आलसी बच्चा मेरा, पूरा आलसी। और इधर सारा दिन कैंडी क्रश।